नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं MFL इंडिया लिमिटेड, क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए, कंपनी का टेक्निकल व्यू कैसा बनता है, किस कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर इस कंपनी में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए अगला प्लान क्या होना चाहिए, और अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अगला प्लान क्या हो सकता है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। दोस्तों सबसे पहले अगर इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो आप देखेंगे 16 पैसे का लेवल आपको देखने को मिलेगा, जबकि इस कंपनी ने अपना हाई बनाया था 2.80 रुपये के पास में। कंपनी के आज के क्लोजिंग की बात करें तो 1.62 रुपये पर यह कंपनी आज क्लोज हुआ है। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल को। दोस्तों अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे यह कंपनी अपने 50 DMA को ब्रेक करके उसके नीचे आ चुका है, तो ऐसे में इस कंपनी में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। अगर यह कंपनी 1.50 रुपये का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे जाता है, दोस्तों जैसे यह कंपनी 1.50 रुपये का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे जाता है तो इस कंपनी में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1.50 रुपये इस कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। कंपनी जब लास्ट टाइम एक बड़ी गिरावट दिखाया तो आप देखेंगे यह कंपनी अपना एक सपोर्ट जो बनाया था वो बनाया था 1.50 रुपये के पास में। अगर यह कंपनी यहाँ से गिरता है और एक बड़ी गिरावट दिखाता है तो यह कंपनी जाएगा 1.10 रुपये के पास में, क्योंकि इस कंपनी का जो 200 DMA बनता है वो बनता है 1.10 रुपये के पास में। इसीलिए इस कंपनी का जो अगला सपोर्ट लेवल बनता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, वो ये रेंज देखने को मिल जाएगा। अगर इस कंपनी के डेली चार्ट पे हम डिटेल देखें तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये जो पिंक लाइन आपको देख रही है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इस कंपनी के लिए। दोस्तों ये जो लेवल है ये 100 दिनों के मूविंग एवरेज के बराबर है, तो आप चाहें तो इस कंपनी के 100 दिनों के मूविंग एवरेज को भी ट्रैक करके चल सकते हैं। कंपनी अगर इसके नीचे जाता है इसका मतलब कंपनी में बड़ी गिरावट आएगा। कंपनी जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक चाहें तो आप इस कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। क्या इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जब तक यह कंपनी अपना सपोर्ट बनाकर बाउंस बैक करना स्टार्ट ना कर दे तब तक मेरे ख्याल से इस कंपनी से दूर रहने में ही भलाई है। जिन लोगों ने इस कंपनी को ऊपर बाई कर रखा है क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए? वो चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में यह कंपनी अगेन बाउंस बैक करके आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन पैनी शेयर है तो बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।